हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपके आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस रिसेंटली इन अप्रैल एंटर्स इनटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सो इनमें से कौन से बैंक के साथ जो है बैंक इंश्योरेंस टाइप किया गया था बाय द आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। सो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, यूको बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड इसके सीईओ कौन है जो रिसेंटली जिन्होंने जिनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, इनका नाम है अश्वनी, क्या नाम है? अश्वनी कुमार। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सोमा शंकरा, जो पहले इसके एमडी एंड सीईओ थे। इनका नाम क्या है? सोमा शंकरा प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के आपके सीईओ पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? सीईओ इनका नाम है आपका मयंक, मयंक बथवाल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। नाउ नेक्स्ट इज द गोदरेज कैपिटल लिमिटेड साइन एमओयू विद विच बैंक टू ऑफर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो गोदरेज कैपिटल ने रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये भी आपका मुंबई में है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आईआरडीआई आइडेंटिफाइड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो एलआईसी है, ठीक है, दूसरा जीआईसी री दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड थर्ड इज न्यू इंडिया अश्योरेंस। ठीक है, तो ये तीनों ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इंश्योरर है किसके लिए? आईआरडीआई के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे आप ये आपको नोट करना है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 से ये अभी तक जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर बने आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली हमने पढ़ा था जो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी आपकी, ये जो है सेकंड आपकी कंपनी बनी है जो ऑफर कर रही है श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कंपनी थी? बजाज आलियांज थी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 व्हिच एम्स टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट टू 2 ट्रिलियन US डॉलर बाय डैश। सो आंसर आपका है बाय 2030, यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट इंडिया का जो है इंक्रीज हो जाएगा 2 ट्रिलियन US डॉलर तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू लिमिट है एक्सपोर्ट की, ठीक है, थ्रू द कोरियर सर्विसेज, ये यहाँ पे इंक्रीज की गई है। पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब ये 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे आपको ये चीज, जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, दैट इज कि अभी 4 न्यू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। पहले ये 39 थे, ठीक है, अब 4 और ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से है? फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस फॉर को लेंडिंग मॉडल थ्रू द यूबी को लेंड प्लेटफॉर्म। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईआरडीएआई रिलीज लिबराइज्ड कमीशन रेगुलेशन बेनिफिटिंग इंश्योरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन विच ईयर आईआरडीएआई वाज इनकॉर्पोरेटेड। सो आईआरडीएआई वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2000। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? देवशीष पांडा। ठीक है, हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में यहाँ पे जो आपके रेगुलेशन जो दिए गए हैं वो देखते हैं। जैसा पहला आपका रेगुलेशन है आईआरडीएआई, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर ट्रांजेक्टिंग जर्नल और अ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2023। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? आईआरडीएआई पेमेंट ऑफ कमीशन रेगुलेशन 2023। नेक्स्ट है आईआरडीएआई, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरर ट्रांजेक्टिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन 2023। तो ये 3 रेगुलेशन यहाँ पे अनाउंस किए गए थे बाय द आईआरडीएआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च एन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन डीजी पोर्टफोलियो टू ऑफर मॉर्निंग स्टार क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीबीएस बैंक, जो आपका सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाला एक और चीज है, दैट इज अभी रिसेंटली हमने पढ़ा क्या था, जो सिंगापुर है, सिंगापुर ने इंडिया के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे रिलीज किया था। ठीक है, वो क्या प्लेटफॉर्म है या उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? यूपीआई, यूपीआई जो इंडिया का है, यूपीआई एंड पे नाउ। ठीक है, क्या नाम था इसका? यूपीआई पे नाउ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द आईआरडीएआई ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू कमेंस द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सो रिसेंटली इन्होंने कौन सी जो आपकी कंपनी है उनको सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है? तो एक आपकी है एको लाइफ इंश्योरेंस,
ठीक है, दूसरी आपकी है क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस। तो आप टोटल यहाँ पे जो है 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबकी हो गई है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली पार्टनर्स विद भारती एयरटेल टू लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। तो ये कौन सा आपका पेमेंट बैंक है, इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके सीईओ आपके हैं जे वेंकट रमू, क्या नाम है इनका, जे वेंकट रमू, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी पार्टनर्ड विद सर्कल अप फॉर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। सो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम क्या है, इट इज एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। अगर सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म दैट इज WEP, जो आपका प्लेटफॉर्म किसका है, नीति आयोग का, ठीक है, टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने इनके साथ पार्टनरशिप की है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सके। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत पे, ठीक है, भारत पे इज आंसर, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब भारत पे के रिसेंटली इंटरिम सीईओ कौन बने थे, इनका नाम क्या था, नलिन नेगी, ये चीज याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट SRVA अकाउंट मलेशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट इज अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो इसके एमडीएन सीईओ है, या बोल सकते मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है ए मनिक मेघलाई, ठीक है, ए मनी मेघलाई, ठीक है, ये इनका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स स्टेक इन बाटा इंडिया 2-। तो इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक जो इंक्रीज किए हैं, ये अब हो गए हैं 5.008% के, ठीक है, पहले कितने थे, पहले इट वॉज 4.472%, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द न्यू अमृत महोत्सव FD स्कीम। सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय द IDBI बैंक। और यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका है 7.65% का, वेयर इज जनरल पब्लिक के लिए ये इंटरेस्ट रेट है 7.15% का, जिसकी शुरुआत आपकी जो है कब से की गई थी, 1st of April से, ठीक है। तो ये स्कीम थी आपकी, वो स्टार्ट हुई थी 1st of April से, ठीक है। अगर हम IDBI का हेडक्वार्टर की बात करें, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है राकेश शर्मा, ठीक है, क्या नाम है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट इन कोलैबोरेशन विद वीजा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एक्सिस बैंक, ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई। अब एक्सिस बैंक ने यहाँ पे जो डिजिटल दुकान आपका बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, यहाँ पे अगर हम बात करें पे ऑप्शन की, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जो लिमिट रखी गई है वो अप टू 5,000 रखी गई है, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1993। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ ई कॉमर्स कंज्यूमर ऐप जिसका नाम है पिन कोड ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म। सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोन पे। फोन पे की शुरुआत की गई थी 2015 में। अगर इसके हम एमडी एंड सीईओ की बात करें, तो इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, इनका नाम है समीर निगम, ठीक है, क्या नाम है, समीर निगम। हेडक्वार्टर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो पिन कोड ऐप है आपकी, ये इनिशियली अवेलेबल है बैंगलुरु कर्नाटका में। और कौन सी कैटेगरीज में से लॉन्च किया गया है, तो ग्रोसरीज, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर एंड फैशन के लिए, ठीक है, कैटेगरीज भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ अ वी केयर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर अ सीनियर सिटीजन टिल डैश। सो जो वी केयर आपकी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, इन मई 2020 इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब इसे एक्सटेंड किया गया है, कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, पहले ये जो है अवेलेबल थी 31 मार्च तक, ठीक है, 2023 तक, फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 30th
जून तक, ठीक है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट, इंडिया जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट डैश परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। सो इंडिया की जीडीपी इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट की थी 6.3%। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए। एंड एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के आपके प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा अजय बांगा, ठीक है, क्या नाम है इनका, अजय बांगा, और ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं आपके वर्ल्ड बैंक के, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, तो डेविड मालपास को, ठीक है, डेविड मालपास जो आपके 13th प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एंड एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड इन कोलाबरेशन विद मौसंदम एक्सचेंज, जो आपका ओमान का एक्सचेंज है, लॉन्च द क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट बिल पेमेंट सर्विसेज फॉर इंडियन बेस्ड इन ओमान। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ये बैंक है, इट इज द कैनरा बैंक, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो कैनरा बैंक है ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है इंडिया का जिसने इस टाइप की सर्विसेज जो है वो ऑफर की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद NESL दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IDBI बैंक ने जो है लॉन्च किया है ई बैंक गारंटी, ठीक है। IDBI बैंक के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, राकेश शर्मा, ठीक है, क्या नाम है इनका, राकेश शर्मा। वेरेज अगर NESL की बात करें, इसके एमडी सीईओ कौन है, इनका नाम है देबा ज्योति राय चौधरी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, देवा ज्योति राय चौधरी जो है एमडी एंड सीईओ किसके, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, दैट इज ई बैंक गारंटी रिसेंटली येस बैंक ने भी जो है लॉन्च किया है किसके साथ, NESL के साथ, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per the data of a Ministry of Commerce, which country has emerged as India's biggest trading partner in financial year 2023? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे टॉप पे आ गया है आपका USA, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट नंबर इज योर USA, सेकेंड की बात करें तो ये चाइना है, थर्ड इज योर UAE, फोर्थ आपका है सऊदी अरेबिया, एंड फिफ्थ इज योर सिंगापुर, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है पूरी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज जो यूएसए है, यूएसए और इंडिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे इंक्रीज किया है, वो बढ़ा है 7.65% से इन फाइनेंशियल 2023। और यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है, चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है हमारा वो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, वो 28% कम हुआ है, बट यहाँ पे हमने जो इंपोर्ट किया है वो फिर भी आपका 4.6% से जो है इंक्रीज किया है, तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होता है, अगर हमें कंट्री को ग्रो करना है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होता है और इंपोर्ट कम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IIFL फाइनेंस रिसीव्ड 100 मिलियन फंडिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कैनेडा एंड डैश बैंक विद 50 मिलियन फ्रॉम ईच। सो यहाँ पे 50-50 मिलियन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, यहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डुसाचे बैंक, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कौन सी कंट्री का बैंक है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है। अब जो आपका IIFL फाइनेंस है ये कौन सी कंपनी है, ये आपकी इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड अगर हम इनके सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है, निर्मल जैन, ठीक है, ये आपके सीईओ है IIFL फाइनेंस के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साउथ इंडियन बैंक रिसेंटली साइन अ बैंक इंश्योरेंस विद विच ऑफ द विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर अ हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम है मुरली रामकृष्णन, ठीक है, क्या नाम है, मुरली रामा कृष्णन, ठीक है। वेरस अगर हम चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके आपके सीईओ हैं, इनका नाम क्या है, वी सूर्या नारायण, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है चोला मंडलम का, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी पार्टनर्ड विद UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू प्रोसेस पेमेंट फॉर ऑनलाइन आधार सर्विसेज? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेजर पे के साथ यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप की है। अब यहाँ पे जो बेसिकली पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे जो UIDAI है, ये अलाउ कर रहा है अपने आधार होल्डर्स को कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जैसे नाम हो गया या एड्रेस हो गई, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे 50 रुपीज चार्जेस देने हैं और आपका जो ये अपडेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब जो रेजर पे है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर में ये लोकेटेड है। और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, हर्षिल माथुर, क्या नाम है इनका, हर्षिल माथुर, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, द सीसीआई हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ सीरी, दैट इज SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे एक्विजिशन की बात हो रही है, ठीक है, अप्रूवल दे दी गई है, बट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये? दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम बैड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, सेबी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज डैश। सो इनिशियल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉर्पस जो है वो कितना है, इट इज द रुपीज 3000 करोड़, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सेबी हैज मैंडेटेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू प्रोवाइड डायरेक्ट प्लान ऑप्शन टू द इन्वेस्टर, द फ्रेमवर्क फॉर द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये आपका इफेक्ट में कब लाया जाएगा, फ्रॉम द 1 मई 2023, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज सेबी का जो ये डायरेक्टिव है या जो आपके यहाँ पे इन्होंने फ्रेमवर्क की बात की है, ये क्यों यहाँ पे जो है इफेक्ट में लाया जाएगा, बिकॉज सेबी का मेन मोटिव क्या है कि जो मिस सेलिंग होती है उसको कम करना, ठीक है। इस डायरेक्टिव की वजह से, इस डायरेक्टिव की मदद से ये इसे कर पाएंगे, ठीक है। साथ में ही जो फी पेमेंट्स होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है, तो ये दो मोटिव इनके हैं इसके पीछे लॉन्च करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जापानीज लेंडर जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी GICA हैज पार्टनर्ड विद सिटी बैंक टू प्रोवाइड $125 मिलियन फंडिंग टू विच बैंक फॉर ऑन लेंडिंग ऑफ टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जापान की जो एजेंसी है इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इंडसइंड बैंक के साथ, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ कौन है, सुमंत कटपलिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इट्स कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो आपकी बुक रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है SBI का, जो SBI को बेसिकली आपके 200 ईयर्स जो है कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 200 ईयर्स कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में, ऑन ओकेजन ऑफ दिस, इन्होंने यहाँ पे ये कॉफी टेबल बुक जो है रिलीज की है। साथ में ही एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है SBI का, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1955 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आरबीआई रिलीज फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ ग्रीन डिपॉजिट्स फॉर अ रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रमोट एंड डेवलप अ ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन इंडिया, द फ्रेमवर्क केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये फ्रेमवर्क आपका जो है इफेक्ट में लाया गया था फ्रॉम द 1 जून 2023 से, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल स्टैटिस्टिक्स रिलीज बाय द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जिसके आपके हेड कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने रिकॉर्ड किया है -% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 ओवर अ प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो इन्होंने जो है ग्रोथ की है 16.4% की, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IRDAI, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कौन सी चार पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है इन्होंने मिलके यहाँ पे 803 बेसिस पॉइंट जो है 5 साल में गवाए हैं, लॉस किए हैं, ठीक है। तो कौन सी ये आपकी कंपनीज है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, नेक्स्ट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एंड फोर्थ इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब IRDAI के आपके जो चेयरमैन है, ठीक है, वो कौन है, इनका नाम क्या है, देवशीष पांडा, ठीक है, क्या नाम है इनका, देवशीष पांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कट्स दी इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू -% इन इट्स बाय एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 रिपोर्ट। सो एक तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एक तो ये बन गया है कि कितना यहाँ पे फॉरकास्ट था, ठीक है,
मतलब जीडीपी कितना इन्होंने प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। साथ में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है 2023 की, ये कौन रिलीज करता है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो दो आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना परसेंट जो है प्रोजेक्ट की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5.9% यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है। वेयर एज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल 2025 की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है 6.3%, ये चीज याद रखनी है। वेयर एज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन में, ठीक है। वेयर एज इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेबी ने रिसेंटली अनवील किया है इनका न्यू लोगो ऑन ओकेजन ऑफ 35th फाउंडेशन डे। अब सेबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 12th अप्रैल 1988 को जो है सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है मिदाबी पुरीभुज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू लोगो सेबी का कुछ ऐसा दिखता है और पुराना ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द बैंक दैट साइन अ मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट अग्रीमेंट विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ कौन सी यहाँ पे बैंक है जिन्होंने साइन किया है मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट अग्रीमेंट फॉर द 300 मिलियन US डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम क्या है, इट इज द HDFC बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक, जिसके आपके MD CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट ग्लोबल ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स अप्रैल 2023 रिपोर्ट बाय द UNCTAD, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपको क्या है, दैट इज 6%, यहाँ पे डिक्लाइन किया है 6%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की जो ग्रोथ थी यहाँ पे, वो कितनी थी, फाइनेंशियल ईयर 2022 की, ये ग्रोथ आपकी थी 6.6% की, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करना है यहाँ पे जो UNCTAD है, इसका आपका सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, रेबिका ग्रिनस्पेन, ठीक है। क्या नाम है, रेबिका ग्रिनस्पेन। वेयर्स हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्रीज टू -% टू अ रिकॉर्ड ऑफ 447 बिलियन US डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2022, वाइल इंपोर्ट इंक्रीज टू 16.5% टू 714 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आपका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ कितना, 6% से। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, 442 बिलियन US डॉलर, और इंपोर्ट की बात करें तो इट इज 613 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर द 3 ईयर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में है। अब इनके साथ साथ, संजय अग्रवाल के साथ साथ, यहाँ पे एक और रीअपॉइंटमेंट की गई है, किसके, उत्तम त्रिब्रेवाल की, ठीक है। क्या नाम है इनका, उत्तम त्रिब्रेवाल, ठीक है, जो होल टाइम मेंबर यहाँ पे जो है रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू इट्स मोबाइल बैंकिंग एप्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, इन द कुंभकोनम, ठीक है। और सीईओ की बात करें अगर इसके, तो इनका नाम है एन कमाकोड़ी। क्या नाम है इनका, एन कमाकोड़ी। और यहाँ पे जो ये बात की जा रही है, इंडिया का फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो इन्होंने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, ये बनाया किसने है, तो इसे बनाया है केज एंड सिक्योर वॉइस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है। इन दी गाइडेंस अलॉन्ग अंडर द गाइडेंस ऑफ 5G यूज केस लैब, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज IDRBT। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च द स्कीम फॉर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। तो इसे लॉन्च किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, जिसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है नवनीत मुनोत। क्या नाम है इनका, नवनीत मुनोत, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से इन्होंने जो है आपके ये लॉन्च किए हैं स्कीम, पहला आपका है HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड, दूसरा है HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एंड तीसरा आपका है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो ये सारी चीजें याद रखनी है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।